फ्रेंड्स, तब तक आप लोग देखिए ये जो नया ओवर ब्रिज बना है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये मोहदा मोड़ और मोहदा बाजार के बीच बीच का ये ओवर ब्रिज है। और फ्रेंड्स देखिए ये है मेरा दीदी। हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हाय बोल रही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे चैनल गणेश एंटरप्रेन्योर ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं अभी तैयार हो गया हूँ और कहीं जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग रास्ते में बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। और अभी मैं हूँ अपने घर में। तो अभी समय जो टाइम हो गया 3 बज रहा है और अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। और इधर मेरा जो गोलवा छोटिया देखिए दोनों खेल रहा है। तो देखिए मेरा छोटी और गोलवा दोनों यहीं पर है। चलो हाय फ्रेंड बोलो सबको। हला नहीं हला नहीं। और गोलू हम कहाँ जा रहे हैं? मुआ से करते हैं। बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहा है। और फिर हम लोग देखो यहाँ मम्मी का बाहर देखो हम लोग लेके ना तैयार हो गया है। और फिर किचन जाएंगे और जो हम लोग को गाड़ी से पहुँचा देगा पैसा देगा उसके बाद। तो अभी गोलू और छोटिया पैसा मांग रहा है तो इन लोग को 5-5 रुपया पैसा देते हैं और हम निकलते हैं। तो फ्रेंड्स गोलवा का भी दिए हैं 5 रुपया, छोटिया 5 रुपया। कितना पैसा दिखाओ, कितना पैसा दिखाओ, कितना पैसा है? 10 रुपया। 10 रुपया तुम लोग दोनों 5-5 रुपया बांट लेना ठीक। और चलो जल्दी ट्यूशन, चलो हम ट्यूशन छोड़ देंगे तुम लोग, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना गोलू और छोटे चल गया है दुकान पैसा दिए तो उन लोग जाएगा ट्यूशन और हम भी अभी निकलते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी घर से निकले और पहुंच चुके हैं मोहदा मोड़ बाज़ार पहुंचने वाले हैं। और अभी हम खड़े हैं रेलवे फाटक के ओवर ब्रिज में। मोहदा बाज़ार और मोहदा मोड़ के बीच में जो रेलवे फाटक जो मिलता है तो अभी ओवर ब्रिज नया नया बना है तो उसी पर हम खड़ा हैं। आप फिर पीछे देख सकते हैं इसका नज़ारा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो है ना अपना दीदी घर जा रहा हूँ तेलमचो। तो फिलहाल अभी हम मोहदा मोड़ पहुँचने वाले पहुँच चुके हैं और अभी दीदी घर जा रहे हैं। तेलमचो में जो है ना मेरा दीदी रहता है और मेरा चाचा का बेटी है तो वहीं रहता है। तो अभी वहीं जा रहे हैं उसी घर में। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं ना बचपन में ज़्यादा बोकारो में रहा हूँ। मेरा चाचा घर है बोकारो, तो मेरा चाचा वहीं रहते हैं शुरू से ही, शादी हुआ तो वहीं रहते हैं। तो मैं चाचा घर में रह रहा था और पढ़ाई लिखाई वहीं से कर रहा था। 2005 से लेकर के 2018 तक मैं अपने चाचा घर में रहा हूँ और हम लोग साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे। तो फ्रेंड्स तब तक आप लोग देखिए ये जो नया ओवर ब्रिज बना है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये मोहदा मोड़ और मोहदा बाज़ार के बीच बीच का ये ओवर ब्रिज है, बहुत ही सुंदर है। देखिए गाड़ी किस तरह चल रही है। और मेरा बाइक देखिए इधर खड़ा है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी घर में और देखिए मेरे पास में कौन है, यही है मेरा भगनी। देखिए किस तरह कर रही है। तो फ्रेंड्स हम अभी आए तो मेरा भगनी सोई हुई थी तो मैं जैसे मेरा आवाज़ सुनी तो तुरंत उठ गई। और इधर देखिए मेरा दीदी का सास है और देखिए उधर मेरा दीदी खड़ी है। दीदी हाय। तो फ्रेंड्स हम जैसे ही आए तो मेरा दीदी देखिए इधर क्या क्या नाश्ता पानी तुरंत जगाड़ करके क्या क्या दे दी हमको खाने के लिए। देखिए नमकीन है क्या क्या। तो देखिए मेरा भगनी कैसा कर रही है, देखिए मोबाइल को मांग रही है। अरे अरे अच्छा नहीं करो। देखिए मेरा भगनी कैसा कर रही है। मामा ऐसा करो ना, बोलो बाय बाय बोलो तो बोलो मामा। फ्रेंड्स ये मेरा प्यारी भगनी है, मेरे ही पास रहती है। देखिए मेरे दीदी सास क्या बोल रही है। हाय। देखो हाय करने बोल रहा है सेजल, इसका नाम जो ना सेजल है। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारी है मेरा भगनी। और फ्रेंड्स देखिए ये है मेरा दीदी। हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हाय बोल रही है। फ्रेंड्स जब मैं चाचा घर में था ना तो हम लोग एक साथ सब पढ़ते थे और अभी सब अपना अपना घर पहुँच गए हैं दूर दूर में। तो फ्रेंड्स मेरा जीजा जी है ना काम करने गए हैं अभी तो वो आएंगे थोड़ा लेट से, शाम में आते हैं। और मेरा जो बड़ी भगनी है, दो भगनी है तो इनसे शेर से थोड़ा सा बड़ी है तो वो अभी चली गई है ट्यूशन में। जैसे ही आया ना तो वो निकल रही थी ट्यूशन के लिए तो वो ट्यूशन चली गई है और वो भी आएगी 5 बजे। तो फ्रेंड्स शाम को आपको मिलाते हैं सबसे। देखिए फ्रेंड्स मेरा भगनी कोची कर रही है। कोची खा रही है मामा? कोची है, कोची है, दिखा 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 दिखा। कौन सी है? ब्रेड। हाँ कौन सी?
फ्रेंड्स मेरा बैगनी देखिए ब्रेड खा रही है, नमकीन खा रही है। तो फ्रेंड अभी जो है ना शाम हो गया है और देखिए मेरा जाजी भी आ गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं सब घर में और उधर मेरा दीदी देखिए खाना बना रही है। तो फ्रेंड्स आज जो है ना मेरा जाजी चिकन लाए हैं, चिकन बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं चिकन नहीं खाता हूँ, मीट मछली नहीं खाता हूँ, बस केवल अंडा मैं खाता हूँ। तो मेरे लिए अंडा लाए हैं मेरे जाजी और अभी अंडा बनेगा मेरे लिए और बाकी सब फैमिली के लिए चिकन। देखिए मेरा दीदी उधर चिकन बना रही है और देखिए माही भी आ गई मेरे बड़ी भैगनी। माही किधर है? देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा बड़ी भैगनी और ये है मेरा छोटी भैगनी। आए कैसा करती है? तो देखिए इधर मेरा दीदी बना रही है चिकन और ये है मेरे जियाजी। मेरा जियाजी हीरो है, पूरा स्मार्ट लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ मेरा दीदी क्या बना रही है। रुको ना, देखिए फ्रेंड कौन कौन चिकन खाते हैं कमेंट में बताइएगा। देखिए मेरा दीदी चिकन बना रही है और मेरे लिए बनेगा अभी अंडा। मैं देखिए यहाँ पर अंडा रखा हुआ है, किधर अंडा है दिखाओ। देखिए फ्रेंड्स मेरे लिए अंडा बनेगा अभी। तो फ्रेंड्स उधर खाना अभी बन रहा है और हम लोग सब बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए मेरा भाजी जो है ना मेरा भैगनी कितना परेशान करती है, छलकूद करती रहती है। तो फ्रेंड्स बनने दिए चिकन, उसके बाद हम लोग मिलकर अभी खाएंगे खाना। तो देखिए फ्रेंड्स इधर खाना ना सब बन के रेडी है और खाना सबका लग चुका है और हम लोग सारा फैमिली एक ही साथ बैठ के खाते हैं, अपने घर में भी और यहाँ दीदी घर में भी, सभी को एक साथ मिल के खाते हैं। तो अब हम लोग खाते हैं खाना और ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे आप लोग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।